साइकिल और पैदल करना मुझे बहुत दिक्कत वाली बात नहीं लगती। ये पैसों की तो कमी करेगी, खर्च आपका कम तो होगा, मगर साथ में ये हवा भी श्वास लेने लायक हो जाएगी। दिल्ली के सभी वन क्षेत्रों को भी इससे जोड़ेंगे। मास्टर हरित प्लान के माध्यम से एक पटरियां भी बनेगी जो वनों के साथ इसको जोड़ेगी, और एक प्रकार से झीलों की भी एक बड़ी जोड़ने वाली श्रृंखला इसके साथ बनाई जाएगी। सोलर लाइट का भी उपयोग होगा और ये नीलगाय लाइन, पीकॉक लाइन, बुलबुल लाइन, ये सब जब समाप्त होगा तब हमारा दिल्ली बहुत सुंदर हो जाएगा। और उस वक्त मुझे भरोसा है कि हवा में प्रचार करने वाली ये सरकार भी बदल जाएगी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, ये जो दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, इसने अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का किया है तो दिल्ली के गरीब और गांव का किया। ये मोहल्ला क्लिनिक खोलकर आंखों में धूल ठोकना चाहते। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की गरीब जनता से, मोदी जी ने जो योजना लाए हैं, आयुष्मान भारत की योजना जिसमें 5 लाख तक का सभी इलाज गरीब का 1 साल में मुफ्त होने वाला, और केजरीवाल जी अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण आयुष्मान भारत योजना को गरीब के पास पहुंचने नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं आपको क्या तकलीफ है? अगर एक गरीब मां अपने बेटे का इलाज दिल्ली के अच्छे से अच्छे अस्पताल में कराए और उसका खर्चा नरेंद्र मोदी जी दे तो आपको क्या तकलीफ होती? उसका जवाब दिल्ली की जनता एक चुनाव में आपसे मांगने वाली है। केजरीवाल जी, आपके मन में भय है कि अगर आयुष्मान भारत योजना चालू हो गई तो दिल्ली की जनता और मोदी जी के बीच में जुड़ाव आ जाएगा। केजरीवाल जी, मैं बता दूं, आप गलत सोच रहे हो, जुड़ाव हो चुका है और दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ। आपके चुनाव के बाद, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ही समय में दिल्ली की जनता ने आपको पहचान लिया है केजरीवाल जी। इसीलिए जब एमसीडी के चुनाव हुए, तीनों के तीनों कॉर्पोरेशन में आप पार्टी का पत्ता साफ हो। लोकसभा के चुनाव हुए, भाई विदुड़ी और बहन मीनाक्षी लेखी यहां बैठे, जब लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी आप पार्टी का पत्ता साफ हो गया, आप तीसरे नंबर पर पहुंच गए, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी। तो दिल्ली में बोल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, दिल्ली में आज साइकिल वॉक की आधारशिला रखते हुए केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाने साधते हुए अमित शाह। तो अब कुछ ही दिनों की बात है और दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। इसी साल